नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत, मैं हूं आपके साथ जोहेब नसीम। पिछले कुछ साल पहले हमारे देश में सीए और एनआरसी को लेकर आंदोलन चला था। हालांकि काफी जगहों पर आंदोलन ने एक दंगे का रूप ले लिया था, वहीं अब फिर से हमारे देश में सीए को एक बार फिर लागू करने की बात चल रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीए को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीए एक हफ्ते के अंदर देश में लागू कर दिया जाएगा। यह बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के काक द्वीप में हुए कार्यक्रम के दौरान कही। वह बोले, मैं मंच से गारंटी दे रहा हूँ कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। सीए को लेकर शांतनु ठाकुर ने पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें अमित शाह ने सीए को देश का कानून बताया था और कहा था कि इसे लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तब सीए को लेकर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया था। आपको बता दें कि यह कानून लाने में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार यह कानून लेकर आई थी। सीए कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह कानून दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था। संसद से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि इसके बाद कानून के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिला था और दिल्ली में भी कई महीनों तक इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी चला था। वैसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार ने 2020 में सीए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। इस तरह का प्रस्ताव लाने वाला पश्चिम बंगाल चौथा राज्य बन गया था। वहीं ममता बनर्जी ने तब घोषणा की थी, बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। वहीं केरल ने भी इस कानून को लागू ना करने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि 7 दिनों के अंदर वो सीए को लागू कर देंगे। अब देखना यह है कि क्या 7 दिनों में सीए लागू हो पाता है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एन भारत।